नमस्कार। जिंदगी से हताश, उदास, निराश हो गए, ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में सारा सब कुछ लूट गया है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, अब मैं खत्म हो गया। कभी कभी इंसान के जीवन में ऐसी मुश्किलें आती हैं, कभी कभी जीवन में ऐसा दौर आता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या करेंगे। उसके अंदर से धैर्य टूट जाता है, उम्मीद टूट जाती है और उसे लगता है कि मेरा सारा संसार खत्म हो गया, अब मैं क्या करूंगा। जब ऐसी सिचुएशन आए तो क्या करें, कैसे अपने आप को मजबूत करें और स्ट्रॉन्ग करें। अभी मैं आपको एक मोटिवेशन स्टोरी बताऊंगा कि उसके जीवन में भी दुखों का पहाड़ टूटा, लेकिन फिर वापस वो इतना उठा कि आज दिन तक उसकी तकनीक दुनिया में चलती है। एकलव्य का नाम सुना होगा आपने, महाभारत में अच्छी तरह से जानते होंगे आप एकलव्य को। गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था। आपको पता है एकलव्य विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। तो जब पुराने समय में जब धनुर्विद्या होती थी तो अंगूठा बहुत काम आता था, ऐसे पकड़कर धनुर्विद्या की जाती थी। अगर जिसके अंगूठा नहीं होता ना तो वह धनुर्विद्या में कभी निपुण नहीं हो पाता और कभी धनुर्विद्या और कभी धनुष बाण नहीं चला सकता था। तो गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने हंसते हंसते अपना अंगूठा दे दिया। जब एकलव्य विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था तो एक सेकंड में वो जीरो पर आ गया। देखिए आप, मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं, सबसे टॉप पर था एकलव्य धनुर्विद्या में और एक सेकंड में अपने गुरु को अंगूठा देकर जीरो पे आ गया। अब कैसे धनुष बाण चलाएगा, अब कैसे धनुर्विद्या सीखेगा। एकलव्य फिर भी एकलव्य ने हार नहीं मानी। वो टॉप पर था, जीरो पर हो गया, लेकिन हार नहीं मानी। उसको पता था कि मैं अपनी मेहनत के बल पर अगर विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुष बन सकता हूं तो क्या एक अंगूठे के पीछे मैं धनुर्विद्या नहीं सीख सकता हूं। सीख सकता हूं। यही उसका साहस, यही उसका जोश और यही उसकी उम्मीद। फिर वापस वो धनुर्विद्या सीखता है और पता है कैसे सीखता है, तर्जनी और मध्यमा अंगुली के माध्यम से सीखता है। और यह विश्व की पहली तकनीक होती है जो एकलव्य इजाद करता है। और आज के दौर में आपने देखे होंगे बहुत सारे जो धनुष्मान चलाते हैं मॉडर्न लोग, वो कैसे चलाते हैं, इन दो अंगुलियों से चलाते हैं, इसी से धनुर्विद्या चलाते हैं। तो यह तकनीक किसने विकसित की, यह तकनीक एकलव्य ने विकसित की। क्यों? क्योंकि उसके पास अंगूठा नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने जोश नहीं हारा। उसको पता था कि कोई बात नहीं, आज मेरा अंगूठा गया है, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूंगा कि पूरी दुनिया मुझे याद रखेगी। ध्यान रखना, आपका भी सब कुछ लूट गया है, सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन हार मत मानना। टॉप पर थे, जीरो पे आ गए, तो क्या जीरो पर ही मरोगे, उठ जाओगे, वापिस उठ खड़े होंगे। बस दिल में जोश, जुनून और हिम्मत रखना। अगर उम्मीद रखी, जोश रखा, जुनून रखा तो वापिस नंबर वन की पोजिशन पर आ जाओगे। एकलव्य को देख लेना, अपना अंगूठा देने के बाद में भी हिम्मत नहीं हारी और इन दो अंगुलियों के बल पर धनुष बाण चलाना सीख लिया बिना अंगूठे के। और वही तकनीक आज पूरे विश्व में चल रही है। तो आप क्यों नहीं कुछ कर सकते हो, आप भी तो बहुत कुछ कर सकते हो। तो ध्यान रखना, कभी हिम्मत मत हारना, कभी जोश मत हारना, अपने अंदर दिल में एक जोश जुनून की आग लगाए रखना, तो आप जीरो से वापस नंबर वन बन जाओगे।